पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार के द्वारा अब साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। शासन से मिली मंजूरी के बाद मुरादाबाद में अब अस्थायी साइबर क्राइम के थाने का निर्माण अगले 3 दिन में हो जाएगा। ये जानकारी एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी के द्वारा दी गई। दरअसल आज एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी के द्वारा अस्थायी साइबर क्राइम थाने की जगह का निरीक्षण किया गया और अपने अधीनस्थों को 3 दिन के अंदर साइबर क्राइम थाने का निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल भारत सरकार के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस विभाग को धन आवंटित किया गया था, जिसके बाद हर जनपद में साइबर क्राइम थानों का निर्माण कराया जाना था। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए थानों का निर्माण कराने के लिए धन आवंटित किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी तत्परता दिखाते हुए जोन के पुलिस अधिकारियों को धन आवंटित कर दिया गया। एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आईजी मुरादाबाद के द्वारा साइबर क्राइम थाने के लिए 1,00,000 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। मुरादाबाद में थाने का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, जिसके बाद बहुत जल्द मुरादाबाद को अस्थायी साइबर क्राइम का थाना मिल जाएगा। यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन खोलने पर विचार किया जा रहा है आईजी महोदय के निर्देशन में, बस उसका इंस्पेक्शन। तो शिकायत प्राप्त हुई थी सर इस प्रॉब्लम को? इसकी कोई शिकायत नहीं, साइबर पुलिस स्टेशन यहाँ पे खुलना है, इससे संबंधित कौन सी शिकायत? अच्छा सर, इसके अलावा लॉकडाउन 55 घंटे का शुरू हो गया है, तो उसको लेकर भी कोई खास व्यवस्था या कोई किसी तरह का निरीक्षण? नहीं, कोई इस तरह का नहीं है। पुलिस लगी हुई है और लोगों से अपील भी की जा रही है, अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि लोग बचें बाहर निकलने से, ताकि जो COVID-19 है उसका ज़्यादा प्रसार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।